इंद्री के सरकारी स्कूल के ग्राउंड में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें इंद्री ब्लॉक के सरकारी व प्राइवेट स्कूलों के बच्चों ने भाग लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस मौके पर काफी संख्या में स्कूली बच्चों ने मौजूद रहकर खेलों का आनंद लिया। इस प्रतियोगिता के बारे में जानकारी देते हुए डीपी अनु काम्बोज ने बताया कि यह ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन 22 से 24 जुलाई तक लड़कों के लिए किया जा रहा है तथा 25 से 27 जुलाई तक लड़कियों के लिए किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में कुश्ती, खो खो, कबड्डी जैसे खेलों का शामिल किया गया है। जो खिलाड़ी ब्लॉक में प्रथम, द्वितीय व तृतीय आएंगे, वह फिर जिला स्तर पर खेलने जाएंगे। वहां से अव्वल रहने वाले खिलाड़ियों को प्रदेश स्तर पर प्रतियोगिता में खेलने का अवसर मिलेगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश स्तर पर अव्वल रहने वाले खिलाड़ियों को प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे, जो कि उनके कोई भी सरकारी नौकरी पाने में मददगार होंगे। जी, ट्रिपल एस इंद्री डीपी, जो खेलों का आयोजन किया जा रहा है 22 का, आज 22 से 24 तक किया जाएगा, लड़कियों का 25 से 27 तक रहेगा आयोजन ये। और जो बच्चे, काफ़ी स्कूलों ने इसमें पार्टिसिपेट किया हुआ है, इसमें कुछ प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूलों में भी आए हैं, काफ़ी टीमें आई हैं, कबड्डी, खो खो, एथलेटिक्स टीमों ने पार्टिसिपेट किया। जब ये बच्चे यहाँ से जीत कर जाएंगे तो ये यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर करनाल कर्ण स्टेडियम में ये फिर अपना वहाँ पर दिखाएंगे, जो टीमें जीतेंगी वहाँ पर आगे ये बच्चे जाएंगे। उसके बाद ये राज्य स्तर पर जाएंगे, जैसे स्टेट लेवल पर, कहीं पर भी स्टेट लेवल पर गेम्स होती हैं, अलग अलग गेम्स में ये बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में ये बच्चा जाएगा, जो भी बच्चे यहाँ पर प्रथम रहेंगे। इनको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर तो वही सर्टिफिकेट मिलता है, स्टेट लेवल पर इनको ट्रैक सूट वगैरह और इनको खाने का अरेंजमेंट पूरा गवर्नमेंट अच्छे से देती है, बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। उनको किसी भी जॉब के अंदर जो जब ये जाते हैं, स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट जाते हैं, तो इनको 5 मार्क्स इनको पहले से दिए जाते हैं, रिक्रूटमेंट होती है। ब्लॉक लेवल पर कोई रिप्लेसमेंट नहीं होती, बच्चे अपने लेवल पर ही आते हैं। टोटल टीमें 10 टीमें भाग ले रही है कबड्डी में, अंडर 17 है, अंडर 19 गेम्स है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।